संगमने वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा लाइफस्टाइल। तो आपण मैंने जानते कि ना मुझे रखुचे आज मो मन भारी खुशी कहीं जानते कहीं बाघर मस हो गला आज पर्यटन जाए ना मो बाप घर को कहीं आपण मैंने बहुत भलसे जानते मुझे मोर प्रीवियस ब्लॉग रे भी कही बहुत आड़े कहीं मार्गशीर मस चलता तो मार्गशीर मस पर पौषमास होगा बेले मत छाड़ी घरे अष्टमंगला को आसी नी आज फाइनाली जाऊँ मो बापा घर को मो बापा आसिक पहुँची जाइए मुझे बापा बसईदेली मुझे बापा टी बस बड़ शीत दिन ना एथर चली तो सका उठा लेट हो जाता तो लेट्रे भी बाहर थी बापा सेपटे मतलब पार्टी करते मत आणिक बसईदे समय देखिए निजे बाहर तो सहीटापी मुझे कहली बापा तुम पार्टी कर ना मुझे जल्दी बाहरी पड़ चुकी 5-10 मिनट भितर तो ये मुझे बसिक मोर क्रीम लिपापोती टी करदी कहीं एत दिन पर जाऊँ घर को घर कहबी तो शाशुघर खाई दे ना एटा कौन सेटा कौन ना मुझे चाहे मो शाशुघर लोक को एमती कहीं किसी कहुत सतरे भी मुझे आहरी मोटी हो जाइए पतली तो केवे भी नी कि पारिनी जन्म मान मत लगे तो मुझे मोर लिपस्टिक आ काजल एप्लाय करी मोर मेकअपटा पूरा डन करदेली मेकअप बोले मुझे किसी लगे नी बास मोर स्किन केयर प्रोडक्ट गुड़ा ही थी जोड़ा कि मुझे यूजुअली एवं डेली वेयर ही करुच्ची तो मस्कारा ये लगेदेली तो बाप घर को जबार खुशी किसी अलग प्रकार ही थाए से मुझे भल से ही रेडी होखु मो मथार सिंदूर भी रेडी सी भी अलग कलर पिंधे आम दुजों जोड़ीटा केमी लगुच प्लीज कमेंट जनइबे। तो आम ज्वाईपो शशुर घर को जब देखो ये मीठा फलम सब पैकिंग करदे आपटे रेडी हो वर्षा मोर ये वीडियो बनई दे खास करके आपण मई आई जो शाढ़ीटा मुझे पिंधि यहाँ मो शाशु गिफ्ट करते मत आज जो ब्लाउजा मुझे पिंधि यहाँ से ही शाढ़ीर ब्लाउज नुह गोटे अलग शाढ़ीर ब्लाउज बट मुझे पेयरअप करके पिंधि आज जोटा कि बहुत ही प्रिटी लगुच तो वीडियो कला बेल वर्षा कहते मेघा टे पेटा कमावे बाहर को बाहरी आस फाइनाली रेडी आम बाहरी आसल बाहर को जीव बोली तो राजा ये जूता चूज कर बहुत ही कन्फ्यूज मामा जी पार्टी करुले आसला बेले तू आग किसी भाविक रखि नु तु जा टाइम समस्त को हईराण करू एपटे लेट है 12 बेला हो छाड़बीन से तो ये मुझे मजा नौली राजा गाड़ी शुणुला बोली तो ये आसला बेले वर्षा को डाकुली मोस पल आस वर्षा कहते तु जा मुझे आनीक जीना तो तू पला जा तो मत से कहले तो ये मुझे मुंडे अढ़ना दे कि चलीगली पूरा संस्कारी बो हो तो राजा सेठी बैग फेक नहीं कि बाहर छिड़ा हेलेनी बापा ऑलरेडी सेठी गाड़ी में बसबे बोले सेठी जाकि बाहर छिड़ा हेलेनी तो एपटे वर्षा वीडियो कर दोथले मोर मु कहली ए पाख को पळे आसु ना से दूर रु एते भलो से देखा जाउनी बाकी मन न मोर टिके खुशी भी थाए बाकी दुख भी थाए काहे कि ना एठु छाड़ी के जाउ जे माने जोठी भी रहिले लगाव टाइप रो आसी जाय ना तो जहां भी हो से पई एठु छाड़ी गला बळ को भी मते टिके कष्ट होथे तो एठी मु वर्षा को कहदली देखो खुशी रे रहबो भले रहबो मते जमा मिस करिवोनी तो जो साड़ीटा मो पिंदीथिले तार ओढ़ाटा बारंबार खसी आसूला देखो ये मो शाशु मो ओढ़ाटा को ठीक कर दे तो शाशु यहीटापी कहली कि आम घर दुईटा शाशु मामा जमी शाशु भाया बिहेव करती बाकी मो स्वामी शाशुठू भी अधिका बिहेव कर था तो ये देखते उपर केमी मामा मत एक्सप्रेसन दौरान कहते हाँ जा बाप घर खाइबू बुलबू मत छाड़ी जाऊ तो आपण मैंने तो जानते आम शाशु बोर बंडिंगटा ही एमती मुझे भी शाशुक शाशु भाया भावनी आ के मत बो भाया ट्रीट ही करते फाइनाली से टाइम आसीगला जो टाइम को मासे धरिकी वेट करी एमती किसी नुह कि मो शाशुघर खुशी ना कि भी इश्यू अच्छी बाकी बाप घर जो जोटा से सब बेले तो मन पड़े ना मोर छोटू बड़ सब समय मुझे काटी तो बहुत इमोशन अच्छी मोर से तो से देखो ये बसिपल्ली समस्त को बाय करदे तो समस्ते खुशी था जब फाइनाली मेघा मसे पर घर को जाटा जी बाहर ना सी से फिलिंगसटा बुझीपड़े तो मामा तो ये जिनसटा को पूरा रिलेट करती कहीं सी भी गोटे घर झील थे तो से सी मो फिलिंगस गुड़ाक पूरा बढ़िया से जापारती तो बाबा आसिक कहीकि गले भले जीव जाइक पहुँचिक फोन कर तो फाइनाली आम बाहरी गले ए गाड़ी चलला बादाम बाड़ी नाई नाई गाड़ी चलला कदमी आज जिते घर पाखपाख मुझ पहुँचु थाए ना से लगुए आरे से घर गछटा थी गछटा काटिदे आरे ये बाड़ा एमती घेर होता एमती घेर ना मैंने मत लगुच मसे भितर बहुत किसी चेंज हो जाए बाकी आपण मानक सेमती किसी लगे कि जितेबले भी आपड़ मैंने बहुत गेफ्रे जाती बाप घर को मत तो सेमती ही लगुच आ मत लगुच आम पड़सा घर लोक मैंने सब स्वच्छ भारत अभियान कर देखते पूरा रास्तार सफा ही आमर तो फाइनाली आसिकी मुझे पहुँची गली जाकू ट्राए
ଜ୍ୱଇଁ କରୁଥିଲି, ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଜ୍ୱଇଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି, ସେମିତି ଆସିବୁନି। ତ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ମୋ ଘରଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ନା ମୁଁ ଖୁସିରେ ସୀମା ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇକି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ହିଁ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିଦେଲି, ଆରେ ସେମିତି ଯାଆନ୍ତିନି, ବନ୍ଦାଣ କଲେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ରାଜା ଜାଣି ବି ନଥିଲେ। ତ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଇଠି ଆଈକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନା ଭିତରେ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକ୍କର ଚାଲିଛି ହେଲା, ଆଉ ମୋ ସଂସାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଏଇ ଆଈ ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିକି କହିଲେ ମୋ ଆଈ ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବ ନା ରଖିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ବି ହେଇଛି ନା, ବହୁତ ଡାଉଟ ମୋର ଆଉ ଉପରେ। ଛିଡ଼ା କରାଉ ବସିକି ଭଲକି ପଛଆଡ଼େ ପଛଆଡ଼େ ଭଲକି ଭିଜେଇବୁ, ହଉ ତାପରେ ମେହେନ୍ଦି ଗୁଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ନାଇଁ ଆଇଛି ଆଜି। ବନ୍ଦାପନା କରିବନି କି ହୁଳୁହୁଳି ପକାଓ ନିଶାଉଳି, ତୁ କାମ କି ନାଇଁ ଆଣ୍ଡିଲି ଟେରେଇକି ହଉ ଚାଲ 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 ହଉ ବସ ବସ। ତ ରାଜା ପହଞ୍ଚିଯିବା ମାତ୍ରେ ମେହେନ୍ଦି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଜଳଖିଆ ସଜେଇକି ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଠି ଭେଣେଇ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ତ ରାଜାଙ୍କର ନା ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା କି ମୋର ବି ଗୋଟେ କାହା ଶାଳିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ତ ରାଜା ଦେଖ ଫାଇନାଲି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ସାରା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ମୋ ଆଈଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶାଳୀ ଭେଣେଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶବ୍ଦ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିବି, ବାହାଘର ପରଠୁ ମୋର ଏ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ସବୁ ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ମାନେ ଆଗେ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ନା, ତ ଦେଖିବେ ତା ବାପ ଘର ଲୋକ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ବସେଇଦେଲେ ଫର୍ମାଲିଟିରେ, ନା ତୁ ବସିକି ଖା। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ, ଫାଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଯା। ତ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଆସିଲି ଭିତରକୁ, ପଳେଇ ଆସ ଆଉ ଏଇ ବାହାରେ ବସୁନି, ବହୁତ ଜୋରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ତ ତାଙ୍କର ଶାଳୀ ଭେଣେଇ ପଛରେ କଥା ହେଇ ଆସୁଥିଲେ,
आउ एठी पांडु आउ पांडुर भाई आसिकी पहुँच जाइछंती आउ आपण मानको मु गोटे जणै रखुछी गाँव में मुझे जेबे भी आसे ना पूरा चहल पड़ जीव कि हाँ मेघा आसी बोली तो देखंतु एटा होउछी मोर रूम तो आपण माने बहुत जण कमेंट करथिले मो सासु घर होम टूर मागुथिले बट अनफॉर्चुनेटली मु देई पारुनी आउ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी से पई किछि रीजन अछि बट बहुत जल्दी ही पोस्ट करबी मु टिके खाली वेट करंतु बाकी आपण मानको जदि मो बाप घर होम टूर दरकार प्लीज कमेंट डाउन करबी मु निहाती शेयर करबी आउ आपण माने गोटे कथा तो निहाती नोटिस करथिबे कि जेतेबेले नुआ जई घर को आसे ने छोटे छोटे छुआ मानकर एक्सपेक्टेशन थाए कि हाँ आम पाई चॉकलेट आनी थे तो से मुझे चॉकलेट गुड़ाक पैकिंग कर दे थी फास्ट तो राजा आणिकी देखते एम को चॉकलेट देदेले के खुशी हो जाने ना तो नुआ किए गोटे मेहमान आसलेट नहीं कि पुणी डेरी मिल्क छोट छुआ मानकर कौन डेरी मिल्क दि कि हजमोला दि से सबुरे खुशी हो जाए देखो आज रोसिया किए तो आज रोसिया हूँ मनना आ मनना कही रखुची बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस बनाए तो आज से कही कि मो स्पेशल मटनटा करी मो भेणे बाबू को खुएबी कहीं आपको एत प्रकार आसे डिश बने यहाँ रिजन यहीटा कि सी सम्बलपुर रोला जिते सी फास्ट फास्ट जब करता तो से तो बयज मानक एका ही रांधिक खाया पड़े तो सी सब टाइप रोष से ही शिखी बट ये देखो टी तेलटा ताती बोली चेका खाईगला भूलवशत तो पचारि आज कौन हो भेणे बाबू को स्पेशल तो एनसर कहला कि हाँ आज मटनटे हम भातटे हम खटाटे हम मुँह कहली आ डाली कहला हाँ सहीटा भी तापर मुझे ये शाढ़ीटा को चेंज कर देली आ देखते हलदिया गोड़ धरे आसी मत लगुच येलो कलर नाइटी भी मत मिलगला भाग्य को तो मैं माँ दे मत चेंज करा तो मुझे चेंज करदेली आ देखो ये ट्राइपडटा मुझे अर्डर करीडियो करा आपने मो भिडियो को ये सारा जो भल पाइबा दूसरी तो से किसी तो ये ट्राइपडटा फास्ट टाइम पर मुझे यूज करुच्ची आज ही आसिक पहुँचला आ वर्षा आसला बेल मत पैकिंग करके दे तो सहीटा मुझे अनबक्सींग आज ही कली तो देखो कमी कम कर सबुआ नहीं हाई हेलो कर लगे पड़ी तो ये मुझे जाऊँगी मो नना पाक से रोसे करूँ देखेबी तो देखो आमर के बड़ रोसिया पूरा मटन गोली जाऊँगी घाटी जाऊँगी गोली जाऊँगी घाटी जाऊँगी नना को पचारा को आज कि मटनटा होना स्पेशल मटन कहते किशोर भाईना मटन मुझे हाउ ये खाई आमको झाड़ा न हो जाऊ तो हसुले आम बखुजुआर तो ये आसली मुझे सालाड पर काटिदी झील कौन है माँ रुख तो देखिपारती कहीं झील तो से मुझे माँ को हेल्प करी सालाड कट कर दूली पापड़ भी तापर फ्राए कर मत तो दही चीनी खाया को बहुत पसंद करती आपको जई तो से कहली टी दही चीनी भी टी सर्व करदे तो सब माइंड में मोर चल था तो ये सालाड काकुड़ी गाजर पियाज मुझे काटि सारापर मुझे कहली जाऊँ टी सर्विंग करदेवि मुझ तो माँ बहुत हईराण होता मुझे देखी पार नी तो से देखूँ मुझे पूरा बाढ़ की आनी तो राजा को पूरा राजकीय स्टाइल पीतल जगार दिखाई खावाक तो आसीगले देखु आम घर जई खावाक तो हाथ पत धोई पूरा रेडी सी खाली कही जाती बापा खाई ना माँ खाई ना समस्त चिंता अच्छी आम जईंर कनसर्न बहुत तो मुझे कहे तुम्हें बहुत चिंता कर ना समस्त विषय में कहे कि तू तो मो घर एन सौ पंसठ दिन चिंता करूँ मु तो घर पर दुई दिन भी चिंता करें तो जा हो मते स्वामी जमीती भी मिली था जईटे पर जईटे पाई मो घर लोक मोर तो बास एति ही दरकार थी मो बापा माँ को भल पाइबे स्नेह आदर देवे बास ठीक सेमती ही जईंती तो एवं सी गणी चलते केतटा कौन तरकारी अच्छी तो सालाड खटा दही चीनी तो यहाँ पचारे ये कौन मटन चिकेन मुझे कहली मटन तापर मीठा दिखाई तो से मीठाटा को कहते सीढ़पुता मीठा देखिए हसी चलते पापड़ भी होता आउ स्पेशली देखते धनिया पतर जो देखी से मतलब देखा देख यहाँ हूँ स्पेशल डिश जोटा कि तू मत देचु खाया को चलो चलो लिटिल नाप नबा आम खाइल जई खाइल ओवरऑल रेटिंग केमती थिला 9 out of 10 मटन डॉ टिकी तो टिके सोईकी उठिया परे देखंतु जईपाई एठी चा दिखाई ता संगे काठी निमकी तो बिस्किट भी दिहला बर्फी भी दिहला बाकी राजा को टिके सी फुलवाला बर्फी पसंद सेटा ही नथिला आ दुकान को बापा जाइथिले भी खोजी बाकी दुकान भी सरी जाइथिला तो दुकानी को बाबा अर्डर देके आछंती जे काली हम सकाळे जई खाइबे फुल बर्फी तो तुम्हें आनी दीथिबो तो देखंतु एठी दुजनकर प्रेम केमिति दुजन बसी खाउछंती एठी तो तापरे संध्या बेले राजा को एठी टिके दिहाइथिला रसमलाई तो सी खाइले तापरे टिके मेहंदी बसथिला तो मेहंदी को खोए
ଖାଇ ବି ଦେଉଥିଲେ। ମେହେନ୍ଦି ବି ମୋ ଭଳିଆ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ବାକି ସେଇଠି ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ସେଇପାଇଁ ସେ କହିଲେ ହଉ ଯଦି ଭଲ ଟିକେ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଆଣିକି ଦେବାକୁ। ତ ପୁଣି ସେ ମନା କଲା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତ ରାଜା କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏକା ଏକା ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ତ ନନା କହିଲା କି ଟିକେ ସ୍ନାକ୍ସ ଟିକେ ବନେଇବା, ତ ସିଏ ତା'ର ରଣବୀର ବରାର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍, ତ ସେ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ହି ଫଲୋ କରୁଥାଏ, ତ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଥାଏ। ତ ଆଜି ସିଏ ଏଗ୍ ପକୋଡ଼ା ବନାଉଥିଲା, ସେଇଟା ବି କେମିତି ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇକି, ତ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ବେଟର୍ ସିଏ ରୋଷେଇ କରେ ମୋତେ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ସର୍ଭ କରିଦେଲି, ତ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଭେଣୀ ବାବୁ କେମିତି ରେଟିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇଲା ପରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଣୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଛଣାଛୁଣି ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି ସ୍ପେସିଆଲି, ତ ଏଇଟା ନେଇକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ହେଇଟି ଶୁଣୁଚ ବଳିଆସ ଶଳା ବାବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ମେହେନ୍ଦିକୁ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିନଥିଲୁ, ତ ସିଏ ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲେ, ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଆସିଲୁ। ସର୍ଭ କରିଦିଆ ହେଲା ଗରମା ଗରମ ଏଗ୍ ପକୋଡ଼ା, ତ ଏଇଠି ରାଜା ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ହଲଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଭେଣୀ ବାବୁକୁ ପୁରା ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଛି ଶଳା ବାବୁଙ୍କର ଖାଇବା, ତ ସିଏ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ବି ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିବୁ ତୁ କେବେ ଆଉ କିଛି ବନେଇବୁନି, ସବୁ ଦେଇଦେବୁ ସେ ନନା ବନେଇବେ ବୋଲି। ତ ଭାରି ଜୋରରେ ହସ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ମୋ ହାତରୁ ଜୀବନସାରା ଖାଇବେ, ଏବେ ଶଳାକୁ ପାଇକି ଶଳା ହାତରୁ ଖାଇବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଠି ଆଈକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଈ ଖାଇବା ଆସ। ଆଈ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ନା, ମୁଁ ତ ଅଣ୍ଡା ବହୁତ ଖାଏ ଆଉ, ତ ସେଇପାଇଁ ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ ଆମର ସେପଟେ ବି ଚାଲିଛି। ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ବହୁତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଏପଟେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନନାକୁ ଡାକି ଆଣ ଖାଇବା, ଏକା କ'ଣ ଖାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ମୋର ଟ୍ରାଏପଡ଼୍ଟାକୁ ଟିକେ ସେଠି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା, ଦେଖି ତା'ପରେ କହିଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ସମସ୍ତେ ହାଇ କର। ପପୁ ତ ଆମର ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ସେ କରିଥିଲା, ତ ତା ସହ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତ କହୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଜେଲେସି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କାଶ ମୁଁ ସେଇଠି ଥାନ୍ତି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତ ତୁ ପଳେଇ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ତ ଆମେ ବି ଢେର ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ସେ ବର୍ଷରେ ତ ଦୁଇଥର ହିଁ ଆସେ ହୋଲି ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ସେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଏବେ ହୋଲି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ହିଁ ଢେର ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହେବ। ନନା ଆଉ ପପୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ମୋ ଘରକୁ, ମୋତେ ଡାକିକି ଆଣିବେ। ତ ତା'ପରେ ନନା ଚିକେନ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ଟିକେ, ତ ରାତିରେ ହିଁ ସେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାର ଟିକେ ମୁଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ପେଶିଆଲି ରାଜାଙ୍କୁ ବି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ଆଉ ପରିବା ଖାଇବା ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ବି ପରିବା ପସନ୍ଦ ଜମା ବି ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହିଁ ହେବ ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କରାହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାର ରେସିପି ବି ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରେସିପି ଦରକାର ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇ ଆଣିଲି, ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦି ଦେଇଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ ବି କରିପାରିବେ, ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡବାଲା ମସଲା ବି ଦେଇଥିଲି, ଲାଇକ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର, ଏତିକି ସବୁ ମୁଁ ଦିଏ। ତ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତ ସେଇ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟିକୁ ତା ଭିତରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କି ଦେଖିଛି ୟୁଜୁଆଲି କେହି ପକୋଡ଼ାରେ ସୋୟା ସସ୍ ଦିଅନ୍ତିନି, ବଟ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଦେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଲାଗେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା ଏନହାନ୍ସ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ଦେଲି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିପିରେ ହିଁ ଟିକେ ନେଇକି ଦେଇଥିଲି, ତା'ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆଉ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଦରକାର, ତ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା'ପରେ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ୟମି ଲାଗୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ମେରିନେଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ୟମି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା'ପରେ ନା ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଦୁଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ କେଜି ମାଂସରେ ବହୁତ ଫ୍ଲପି ଫ୍ଲପି ହୁଏ, ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଲିଟରାଲି ଡିଲିସିୟସ୍ ଲାଗେ, ବାକି ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ନଥିଲା କି ମେରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବାକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଳେଇଦେଲି, ବା 10 ମିନିଟ୍ ହିଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ତେଲ ଗରମ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲସେ ମସଲା ଦ୍ୱାରା ଗୋଳେଇ ଗୋଳା ଦେଲି, ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ଟା ଏଡ଼୍ କରିବେ, ନହେଲେ ପାଣି ଫାଟିଯିବ ନା, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଜମା ବି ଛାଣିଲା ବେଳେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବନି କି ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମେରିନେଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ କିଛି ସମୟ ପରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ମାଆ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ କେଇଠି ଅଛି, ବାକି କାହିଁକିନା ମୋ ଆଇଁଷ ହାତଟା ବି ହେଇଛି, ନ ଆଣିଲେ ନା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ନ ଆଣିବ ଯଦି ନା ସେ ପୁରା ମାରିଦେବ, କହିବ ମୋ ଜିନିଷ କିଛି ଆଇଁଷ କରିବୁନି, ଆଉ ମୋ ମାଆ ତ ଆଇଁଷ ଜମା ବି ଖାଏନି ବିଲକୁଲ, ବାକି ସେ ମାଛ ଟିକେ ଖାଏ, ଅଣ୍ଡା ଖାଏ, ବାକି ମଟନ ଚିକେନ୍ ଏସବୁ ସେ କିଛି ବି ଖାଏନି, ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ସେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି ଏସବୁ। ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ମୋ ମାଆ କାହିଁକି ଏମିତି, ମାନେ ସିଏ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଉଛି ମାଛ ବି ଖାଉଛି, ନନଭେଜ୍ ତ ଖାଉଛି ହିଁ, ବଟ୍ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉନି ସେଇଟା ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କହିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଏଇଟା ମୋ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡିଫେକ୍ଟ।
तो तापरे से तार कॉर्नफ्लोर भी बाहर करके दे देला। तो मुझे ये गले गले देली भलसे। तो मत लगुच आउ टे कॉर्नफ्लोर दि जा। तो आपण मैंने देखिकी ही आपण को अनुसार कम बेसी करें कनसीस्टेन्सी देखिकी बेसी पाणिया करें ना जो मसलार कटिंगटा ना भलसे लगभन और टेस्ट जमा भी भल लगे। आम घर ना टे लंका खावाक पसंद करती से मुझे लंका गुंड दे नी बट गोटे चामच देली कहीं भल लगे टेस्टा ना। लास्टली टे फुड कलर एड करेंगे जोटा कि टोटाली ऑप्शनल आपण मैंने चाहिए यहाँ स्किप भी करें। तो तेलटा तातीगला पर मेरीनेट कर रखी मोर चिकेन को ये मुझे एड करदेली। तो आपण मैंने 15-20 मिनिट पर्यंत कुक करेंगे पूरा बहुत बढ़िया से पकोड़ा रेडी बाहर। आमती पूरा परफेक्ट पकोड़ा मत भी टाइम लगता करने को। तो मुझे प्राय तीन चार थर ट्राए कलापर एम परफेक्ट पकोड़ा एवं मुझे यूजुअली। तो देखूँ नना ये फास्ट पकोड़ा ट्राए करमी लगुच कौन। तो फास्ट टी खाइला हाथर पकोड़ा बहुत भल लगे आउटा कि समस्ते आम घर जानते। तो पप्पू भी जितेबाला हैदराबाद जबार थाए ना सी फास्ट आसे तो सी पकोड़ा खाई खाई जाए। तो एथर तो मुझे तो बाहर पलि तो पकोड़ा देवा कहीं ना बहुत ही सी मिस कर सब। तो सी जब आसब ना से आउ थे मुझे पकोड़ा करके देवी। तो जाकि मुझे नहीं आसली फ्रिज रु टे मस्टर्ड सस् चिली सस् टमाटो सस् मो स्वामी और मुझ बस पकोड़ा को एंजय करुचु। तो मो स्वामी को तो मो पकोड़ा ही बहुत टेस्टी लगे से सब बेले कहते मेघा प्लीज पकोड़ा मोपाई तू ही करू। तो ये मुझे बनई खुएली खाइले मन खुशी होगला। तो राति कहले मो कि भी खाइबे नहीं मो पेट रे टोटाली जगह ही ना मुझे खाली पकोड़ा खाई शोबी। तो से आम ज्वाई पु एत ही खाई शोपड़े। तो एबे चलो आम शोवाक। तो आज मो मेहंदी को मो पाखे रखी मुझे कहली तू शा आम के देखा ही ना। तो से आम दुई भौणी गसीप करवा राति सारा से मेहंदी को ये मो पाखे शोली आ राति सारा आम बहुत मजा मस्ती करी सब शोलु। तो पार्ट वन थी किसी एमती। तो नेक्स्ट डे कौन हम कौन ना से भी लॉन्ग वीडियो रे मुझे निहाती आनी। तो आपण मैंने से मो चैनल को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करूँ आउ ढेर सारा भल पाइबा दिंतु मो चैनल को। तो डे टू रे कौन कौन है मो बाप घर से शॉर्ट्स ले अपलोड करी आउ मोर होम टूर फुल वीडियो जल्दी ही अपलोड हे। जय जगन्नाथ।